उल्लासनगर के वडोल की तरफ जाने वाला पुल धराशायी हो गया था, जिसकी मरम्मत करने का कार्य मनपा के ठेकेदार को दिया गया था, परंतु आज तक इस पुल का काम पूर्ण नहीं हो सका है, जिससे यहां से गुजरने वाले नागरिकों को अपनी जान हथेली पर रखकर रेलवे लाइन पार करके जाना पड़ता है। बता दें कि वडाल गाँव की तरफ जाने के लिए एकमात्र यही पुल था जहाँ से स्कूली बच्चे और नागरिक आवाजाही करते थे, परंतु 2 वर्ष पूर्व यह पुल धराशायी हो गया था, जिसके पश्चात यहां से आवाजाही अवरुद्ध हो गई थी। महानगर पालिका ने इस पुल का मरम्मत करने का ठेका ठेकेदार को दिया था, परंतु आज भी यह पुल अधर से लटका हुआ पड़ा है। हाल ही उल्लास मनपा के आयुक्त गणेश पाटिल ने इस पुल का निरीक्षण किया और इसे 15 दिनों में पूर्ण करने का निर्देश भी दिया, परंतु जिस गति से पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है उसे देखकर यह नहीं लगता कि 15 दिनों में यह पुल निर्मित हो सकेगा। विदित हो कि पिछले वर्ष वालधुनी नदी में एक स्कूली छात्र बह गया था, अब फिर से बरसात के दस्तक दे दिया है, परंतु अभी तक पुल का निर्माण कार्य समाप्त नहीं हुआ है। पुल के ना होने से प्रतिदिन हजारों की संख्या में नागरिकों को अपनी जान हथेली पर रखकर आवाजाही करना पड़ता है। वडोल गांव है, ये बहुत साल पहले 30-35 साल पहले वडोल गांव में जाने के लिए एक छोटा सा पुल रहा करता था, और वो 30-35 साल पहले जो यहाँ की परिस्थिति थी, जनसंख्या बहुत कम थी और यहाँ स्कूल नहीं था। आज यहाँ पर एक स्कूल है, जो स्कूल में उल्लासनगर शहर से हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ने को आते हैं। तो तत्कालीन नगर सेविका और माजी उप महापौर पंचशीला पवार, इनके पास में यहाँ के स्कूल के लोग और वडोल गांव के लोग हमेशा आते थे कि भाई यहाँ एक आने जाने का अच्छा पुल बनाया जाए, क्योंकि जो पुल था वो सिर्फ एक 8-8.5 फुट का रुंदी का पुल था। तो ये लोगों की जो डिमांड थी, लोगों की डिमांड के अनुसार पंचशीला पवार इन्होंने अपने प्रयास से उल्लासनगर महानगर पालिका में एक अच्छा पुल, 30 फुट की रुंदी वाला पुल, जहाँ से बच्चे भी सुरक्षित जाए, नागरिक भी सुरक्षित जाए, गाड़ियाँ भी आए जाए, इस प्रकार का जो ब्रिज है वो सैंक्शन करवाया। उसको लगभग ये 2016 में ब्रिज का जो है वो सैंक्शन मिला, और उसके बाद में क्या हुआ कि अचानक जो है एक दिन जो वो पुराना ब्रिज था, वो पुराना ब्रिज एक दिन अचानक सा गिर गया। वो तो बहुत अच्छी बात थी कि पुल गिरने के पहले ही इस नया पुल बनाने का जो काम है पंचशीला पवार, ये जो उप महापौर उस समय थे, उन्होंने मंजूर कर लिया था, तो इतनी दिक्कतें नहीं आई वो काम शुरू करने के लिए, काम शुरू ही हुआ। लेकिन दुर्दैव की एक बात यहाँ पर एक दिखती है कि 2017 का जो चुनाव हुआ, वो चुनाव के बाद में आज लगभग 16-17 महीना हो रहा है। ये 16-17 महीने के अंदर में ये ब्रिज बहुत जल्दी से हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ब्रिज अभी भी नहीं हुआ है, अभी बारिश शुरू हो गई है और इसके वजह से बड़ी दिक्कतें आ रही। तो उसका वजह एक ऐसा ध्यान में आता है कि यहाँ के चुने हुए लोग भी पूरी तरह से उसके ऊपर ख्याल नहीं कर रहे। 2016 में इसकी सारी मंजूरी मिली इस काम को, और आज 2018 बारिश का भी समय आ गया, उसके 2 साल में भी ये लोग ब्रिज बना नहीं पा रहे। और एक दुर्दैवी घटना गया बारिश में, ये नज़दीकी जो स्कूल है, स्कूल का एक बच्चा यहाँ पे पानी में बह के वो दुर्दैवी मृत्यु भी हुआ। इतनी खतरनाक परिस्थिति होने के बावजूद में गया साल का बारिश और ये साल का बारिश शुरू हो गया, ये एक वर्ष के कार्यकाल में भी ये उल्लासनगर महानगर पालिका यहाँ के स्कूल के बच्चों को और वडोल गांव के नागरिक को ये पुल दे नहीं पाई, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ उल्लासनगर महानगर पालिका का शासन और प्रशासन, ये दोनों ही पूरी तरह से फेल रहे हैं। लोगों के हित में इनको कुछ समझता नहीं है। ये हजारों की संख्या में स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और पूरे उल्लासनगर शहर से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते। आज स्कूल 15-16 तारीख को स्कूल फिर से शुरू हो रहा है, और स्कूल शुरू होने का टाइम हो गया, बारिश भी शुरू हो गई, उसके बावजूद भी ये ब्रिज का जो काम है पूरा नहीं ये लोग कर पा रहे, तो ये सही बात नहीं है। सर, आयुक्त ने इस बारे में 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, उसमें क्या मिला? अभी आयुक्त ने 15 दिन का अल्टीमेट दिया है, अगर 15 दिन के अंदर में ये ब्रिज
ब्रिज का काम जो है ये पूरा नहीं होता है, लोगों को आने जाने की सुविधा अगर नहीं मिलता है तो माननीय आयुक्त साहब ने ये सारे लोगों के ऊपर फिर कार्रवाई भी करनी चाहिए, सिर्फ ऐसा बोल के चलने वाला नहीं है। अभी इस अवसर पर आपकी पक्ष की भूमिका क्या होगी? इस अवसर पर हमारी पक्ष की भूमिका तो सदैव ये ब्रिज जल्दी से जल्दी बनने की कोशिश रही है। हमारे पक्ष की जो नगर सेविका है पंचशीला पवार, उनके ही प्रयास से ये सारी मंजूरी मिली। अगर वो आज नगर सेविका रहती तो ये समय आता नहीं, ये गया साल में ये ब्रिज बन जाता था, उसका हम मुझे और मेरे पक्ष को यकीन है। मेरा पक्ष की आज भी भूमिका है कि माननीय आयुक्त साहब ने जो कहा है कि 15 दिन के अंदर में लोगों को यहाँ सुविधा मिल जाएगी तो वो मिलनी चाहिए।